दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे M.2 SSD के बारे में। M.2 SSD भी यहाँ पर दो टाइप की होती है और उसके अंदर भी अगर की को हम ऐड कर लें तो चार पांच टाइप की ये M.2 SSD होती है। तो आज मैं इस वीडियो में इसी के बारे में बात करूँगा, आपको डिफरेंस बताऊँगा क्या क्या डिफरेंस है, कौन सी आपके लिए बेस्ट हो सकती है और कौन सी बेस्ट होती है और कौन सी न्यू है, वो सब कुछ डिटेल में बताऊँगा आफ्टर दिस इंट्रो। दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कोई NVME SSD या M.2 फॉर्म फैक्टर जो होता है उसमें SSD लेने की, तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि यार कौन सी SSD लें, क्योंकि क्या पता आपके लैपटॉप में कौन सी SSD वो सपोर्ट करता है। यहाँ पर NGFF भी होती है जो कि साटा वाली SSD होती है, साटा SSD जिसको बोलते हैं। M.2 में भी साटा SSD आती है तो वो भी होता है, वो एक फॉर्म फैक्टर होता है। और NVME भी आता है, NVME एक नई टेक्नोलॉजी है, अभी NVME ही चल रहा है। और उसमें भी फिर अगर आपके पास, अगर आपका लैपटॉप सपोर्ट करता है कोई बी टाइप सपोर्ट करता है, बी की वाली सपोर्ट करता है, या कोई एम की वाली सपोर्ट करता है, या कोई लैपटॉप्स जो ऐसे होते हैं जो बी प्लस एम की वाले सपोर्ट करते हैं। अब ऐसे में यहाँ पर कन्फ्यूजन आता है कि यार मेरा लैपटॉप कौन सा सपोर्ट करता है, मैं कौन सी लूँ, क्या डिफरेंस है, क्या है, तो वही यहाँ पर मैं क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं कि ये जो साटा NG वाली होती है, NGFF वाली जो M.2 SSD होती है इसमें, और NVME SSD जो होती है उसमें, M.2 फॉर्म फैक्टर में। जो M.2 है ये तो SSD का नाम हो गया, यानी कि फॉर्म फैक्टर हो गया, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, एक साटा SSD आती है जो नॉर्मल 2.5 इंच की होती है, एक हार्ड ड्राइव आती है जो कि नॉर्मल 2.5 mm की भी होती है और 3.5 mm की भी होती है। अब यहाँ पर जो तीसरी जो टेक्नोलॉजी आई है वो है यहाँ पर M.2। ये जो साटा है 2.5, ये 2.5 और 3.5, इसके अलावा एक और आती है M.2। तो M.2 में यहाँ पर जो आई है टेक्नोलॉजी वो आई है, पहले तो जो साटा चलती थी वो पहले चलती थी, यानी कि SSD के बाद यहाँ पर साटा चलती है M.2 में, जिसको हम बोलते हैं NGFF। अब उसके बाद जो टेक्नोलॉजी आई है वो है यहाँ पर NVME। तो NVME सबसे नई टेक्नोलॉजी है, इसमें भी काफ़ी सारी अभी यहाँ पर अपग्रेड हो रहे हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनके काफ़ी सारे यहाँ पर टेक्नोलॉजी अपडेट कर रही है, उनकी स्पीड अपग्रेड कर रही है। बट इसके अलावा अभी कोई नया फॉर्म फैक्टर नहीं आया है यहाँ पर, तो जो नई टेक्नोलॉजी है जो सबसे लेटेस्ट है वो NVME ही है, NVME M.2 वाली SSD जिसको हम बोल सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मेरे पास एनक्लोज़र है, एक ये एनक्लोज़र है, ये है NVME M.2 एनक्लोज़र, और ये एनक्लोज़र है सेम कंपनी का है, ये M.2 एनक्लोज़र है NGFF वाला, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो ये दोनों एनक्लोज़र है, दोनों में SSD अलग लगेगी, दोनों क्रॉस सपोर्टेड नहीं है, यानी कि अगर आप NVME इसमें लगाएंगे तो इसी में चलेगी, इसमें नहीं चलेगी NVME, इसमें साफ लिखा है इसमें NVME ये सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आप इसमें NGFF वाली SSD लगाएंगे तो वो ये सपोर्ट नहीं करेगा, प्रैक्टिकल करके मैंने देखा है मेरे वीडियो में, जब मैंने अपग्रेड किया था मेरा खुद का लैपटॉप। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो सैमसंग की SSD है ये वाली 1 TB की SSD NVME SSD वो मैंने अपग्रेड करी है अपने इस लैपटॉप में, तो वो जाके आप देख सकते हैं यहाँ पर जो क्रॉस सपोर्ट नहीं करते हैं बिल्कुल भी, इसीलिए मैंने ये सारे इनक्लोज़र यहाँ पर मंगा के रखे हैं। तो इनका अनबॉक्सिंग वीडियो आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो जाके आप देख सकते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर दोनों के डिफरेंस की, यानी कि जो NGFF है और NVME है, नो डाउट दोनों M.2 हैं, बट जो NGFF यानी कि साटा जिसको हम बोल सकते हैं, साटा M.2 और NVME M.2, जो साटा है और एक NVME है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस दोनों का क्लियर है। ये जो NGFF है ये थोड़ा सा पुरानी टेक्नोलॉजी है, साटा बेस्ड है, यानी कि ये जो साटा पोर्ट होते हैं हमारे लैपटॉप में उससे ही उतनी ही स्पीड देता है, यानी कि आपको 5 या 6 GBPS की स्पीड इसमें मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। बट जो NVME है इसमें अप टू 10 GBPS की स्पीड आपको देखने को मिलेगी। मेन डिफरेंट यही है कि स्पीड का डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, जो पावर सेविंग, अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं NVME तो पावर का डिफरेंस भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर 1.2 वोट की ये जो NVME SSD है ये सपोर्ट करता है, मतलब कि 1.2 वोट से ज़्यादा नहीं लेगा, और यहाँ पर 1.3 या 1.45 वोल्ट तक की ये ले सकता है, यानी कि इतना डिफरेंस आता है। अगर हम लैपटॉप की बात करें तो आपको ये डिफरेंस तो कम लग रहा होगा कि यार 1.3 या 1.2 में क्या डिफरेंस है, बट फिर भी अगर स्टिल हम लैपटॉप की लेके बात करें, ये तो चलो फिर भी गेमिंग लैपटॉप है, बट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जो बिजनेस वाले लैपटॉप आते हैं, जो आपने देखे होंगे एकदम स्लिम आते हैं और उनकी बैटरी चलती 12-12 घंटे, 10-10 घंटे, हालांकि वो बोलते हैं बट चलती नहीं इतनी चलती, हाँ बट 9-10 घंटे चलती है उनकी बैटरी।
उनमें ये जो एक पॉइंट का भी डिफरेंस, अगर कोई पावर ज़्यादा ले रहा है कहीं से भी तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, मतलब आधे घंटे या एक घंटे का बैटरी बैकअप कम दे देती है वो, अगर इतना डिफरेंस इसमें आता है तो। इसलिए यहाँ पर पावर की भी यहाँ पर डिफरेंस है दोनों में, उसके अलावा ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। बट अगर आपके लैपटॉप में अगर साटा सपोर्ट करता है और आप NVMe लगाएंगे तो NVMe नहीं चलेगी, ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है यहाँ पर। और अगर आपका लैपटॉप अगर NVMe सपोर्ट करता है तो फिर उसमें साटा भी चल जाएगी, बट आपको यहाँ पर देखना ये है कि B की लग रही है उसमें, M की लग रही है या B प्लस M की लग रही है। अब ये की का मैं बता देता हूँ, की किस तरह की होती है। अगर B की वाली M.2 SSD आपके इसमें लगी है, अब वो NVMe भी हो सकती है और यहाँ पर जो साटा वाली होती है NGFF वो भी हो सकती है, दोनों में से कोई सी हो सकती है। वो आपको पता करना है कि आपके इसमें कौन सी है। बी वाली होगी तो वो कुछ इस तरह से दिखेगी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बी की, इसको बोलते हैं। और अगर एम की होगी तो वो इस तरह से दिखेगी, यहाँ पर डिटेल में बताऊँगा मैं। और बी प्लस की एम होगी तो वो इस तरह से कुछ दिखेगी। तो जो बी की होगी उसमें क्या होता है, यहाँ पर 6 की है वो अलग होती है, बाकी की अलग होती है, यानी कि जो पिन होती है 6 पिन अलग होती है और बाकी की जो पिन है वो अलग होती है, तो बीच में गैप रहती है 6 और बाकी पिन में। और एम की अगर है तो वहाँ पर 5 की अलग होती है और बाकी की अलग होती है दूसरी साइड, तो ये एक डिफरेंस हो गया। और दूसरी बात ये है यहाँ पर कि जो बी और एम की अगर आपकी SSD है तो यहाँ पर 5 और 6 की दोनों अलग अलग होगी और बीच में एक अलग पिन होगी। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ डिफरेंशिएट किया जाता है इनको, वो आपको देखना पड़ेगा आपके लैपटॉप में या सिस्टम में आपने कौन सी M.2 वाली SSD लगा रखी है, कौन सी की वाली लगा रखी है, वो आपको इजीली पता चल जाएगा। आप की गिन के देख सकते हैं। इस तरह से आप पता करके आपकी SSD या फिर आप NVMe जो भी लगाते हैं वहाँ पर उसको अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है इन सब में। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए, कमेंट सेक्शन में उसे पूछ सकते हैं, मैं जरूर से उसका रिप्लाई करूंगा। और इनका आपको अनबॉक्सिंग वीडियो देखना है, ये जो इनक्लोजर है इनका चैनल पे डाल चुका हूं, आप जाके देख सकते हैं। यहां पर मैं कार्ड में लिंक दे दूंगा, यहां पे भी आप देख सकते हैं। और स्पीड भी मैं जो मैंने लैपटॉप अपग्रेड किया था उस वीडियो में आपको पता चल जाएगी इनकी स्पीड, काफी अच्छी स्पीड मिलती है यहां पर इनमें, ऐसा नहीं है कि स्लो स्पीड मिलेगी। टाइप सी ये होते हैं तो वो डिपेंड करता है आपके लैपटॉप के जो है पोर्ट के उसके ऊपर कि आपको कितनी स्पीड उसमें मिलेगी। अगर वो 3.0 वाला पोर्ट होगा लेटेस्ट वाला लैपटॉप में तो वो अच्छी खासी स्पीड मिल जाएगी। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर फिर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लो कि आगे आने वाले वीडियोज आपको मिलते रहे। दैट्स ऑल फॉर दिस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।